हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं अगर आपकी वॉशिंग मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो, मैंने इसको ऑन कर दिया, आपको आवाज़ आ रही होगी, और इसको अगर मैं हल्का सा हाथ से सपोर्ट दूंगा तो ये घूमेगा। ये बहुत हल्के से हाथ से घूम रहा है, लेकिन जो लोड इसको लेना चाहिए एक्चुअल में वो लोड नहीं ले रहा है। ये देखो हाथ से घुमाऊँगा तभी घूम रहा है, सिर्फ वैसे नहीं घूम रहा। मतलब मैं आपको इसको पीछे भी दिखा देता हूँ। ये देखो, बहुत हल्का सा, मतलब हाथ से भी रुक जा रही है, ये बहुत ईजिली रुक जा रही है। अभी मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ ये पीछे से कैसा दिखता है। ये देखो, पीछे से ऐसे दिखती है ये। ये देखो, चल तो रही है लेकिन लोड नहीं ले रही है। घुमाओ, ये देखो चल गई अपने आप ही। अब ये देखो, अभी रुक जाएगी दोबारा, जैसे ही हाथ लगाएंगे तो ये रुक, देखो रुक गई दोबारा अपने आप, है ना। तो ये प्रॉब्लम है हमारी। अब इसको देखते हैं सही कैसे करते हैं। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, इसको कैसे सही किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी मोटर ख़राब हो सकती है, ठीक है, या फिर आपका ख़राब हो सकता है कंडेंसर। तो भाई, अगर मोटर ख़राब होगी तो हम इसको चेक करने का तरीका होता है, लेकिन हम इसको चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर मोटर ख़राब है तो वो हम तो सही नहीं कर सकते उसको, वो तो भाई मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा इसको सही कराने के लिए। अगर हाँ, इसके कंडेंसर की प्रॉब्लम है, कंडेंसर की वजह से दिक्कत कर रही है, तो हम इसको बदलेंगे पहले। तो इसको बदल के दिखा देता हूँ, अगर ये मोटर सही होगी तो ये अपने आप चल जाएगी। हम नया कंडेंसर ले आए हैं तो हम उसको बदल देंगे, भी पता चल जाएगा कि मोटर ख़राब है या कंडेंसर ख़राब है। अगर मोटर सही होगी तो चल जाएगी तुरंत ही। तो आइए कंडेंसर को बदलते हैं और इसकी वायरिंग करते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो है, ये वाले वायर हैं, तीन वायर हैं इसके अंदर। एक हमारा वाइट है, कॉमन है, एक रेड है, एक येल्लो है, ठीक है। एक इसके अंदर रेड है, एक येल्लो है। इसका मतलब हमारा जो कंडेंसर का रेड वायर है वो रेड में लगेगा, और जो कंडेंसर का येल्लो वायर है वो हमारा येल्लो में लगेगा। सेम ऐसे ही हमारी ये वाली मोटर होती है जो हमारी सुखाती है कपड़ों को, उसमें भी तीन तरह के वायर होते हैं, एक वाइट होता है, एक येल्लो होता है, एक ब्राउन होता है। तो सेम हमें उसमें कोडिंग लिखी होती है हर वायर के ऊपर। तो हम पहले इस मोटर के बदलेंगे। सबसे पहले हम जब चेक करेंगे कि ये हमारा चल रहा है या फिर नहीं चलता है, तो हम इसके वायरिंग उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे जैसे हमारे इसके अंदर वायर हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रेड और हमारा येल्लो, और ये हमारा नया कंडेंसर है। तो इसमें हमारा रेड और हमारा येल्लो, ये देखिए दो वायर हैं हमारे, दो अलग अलग हैं। इसमें लिखा भी होता है कंडेंसर के ऊपर कि आपका कौन सा मोटर के लिए, कौन सा सुखाने वाले के लिए। तो हमारा रेड और येल्लो हो गया, और ये दोनों हमारे लगेंगे सुखाने वाले में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इन वायरों को काट के, इन दोनों वायरों को काट के, रेड और येल्लो, इनको हम इसमें जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इनको जोड़ देते हैं, काट देते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने अपने इसके जो रेड और येल्लो वायर थे, इसके दोनों रेड और येल्लो, ये हमने काट दिए यहाँ से, ये काट दिया यहाँ से, ये काट दिया हमने यहाँ से, ठीक है। रेड कट गया, येल्लो कट गए। अब हम नया कंडेंसर लेंगे, नए कंडेंसर का रेड वाला जो है रेड में लगा देंगे, और येल्लो वाला जो है वो हम येल्लो में लगा देंगे, ठीक है। ये देखो, रेड का रेड में लग गया और येल्लो का हमने येल्लो में लगा दिया। अब हमारे इसके कनेक्शन हो गए हैं एकदम रेडी, ठीक है। अब हम अपने सुखाने वाले का भी साथ के साथ कर देते हैं, जब हम इतना कर ही रहे हैं। तो सुखाने वाले के हमारे ये दो तार बचे हुए हैं, एक हमारा येल्लो है, ठीक है, इसको भी हम काट देंगे यहाँ से, ठीक है। और हमारा एक है हमारा थोड़ा ब्लैक, ये वाला जो है ब्लैक, इसको भी हम काट देंगे, ठीक है। इसको छील लेते हैं, येलो कट गया हमारा और ये हमारा ब्लैक कट गया, ठीक है। अब इसमें दो तार बचे हुए हैं, ये देखो, ये दोनों तार हैं इसमें, ठीक है। इनको हम लगा देंगे इसमें, एक इसमें लगा देंगे और एक हम लगा देंगे इसमें, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारी वायरिंग हो गई है। अब हम अपनी मोटर को चेक करेंगे एक बार कि ये कैसी चलने वाली है, ये कैसी चल रही चलेगी अब, ठीक है। ये देखो, हमारी वायरिंग हो गई है। आपको थोड़ा सेफ्टी से करना है, वायर आप हटा देना, हमने अपने प्लग व्लग हटा रखे थे सब, इसलिए हमारा इतना डर नहीं है। अब हम इसको चला के देखते हैं कैसी चलेगी, अब चलेगी या नहीं चलेगी, जो भी है प्रॉब्लम पता चल जाएगी हमारी मोटर ख़राब है या हमारा कंडेंसर ख़राब था। देखो, ये हमने कनेक्शन काट दिए इसके सारे और नया वाला लगा दिया। तो भाई, ये देखो, हमने कंडेंसर बदल दिया है, पुराना वाला हमने हटा दिया और नया वाला हमने लगा दिया। सब कुछ वायरिंग ठीक हो गई है, लेकिन ये नहीं चल रही है, अभी भी दिक्कत कर रही है। इसका मतलब भाई सीधा सा हिसाब है, इसकी मोटर जो है वो हो गई है ख़राब। अब इसकी मोटर खुलेगी और उसके बाद में ही ये हमारी मैकेनिक के पास जाएगी। तो फ्रेंड्स देखो, हमने भाई पूरी मोटर खोल डाली है, ठीक है,
अब ये हमारी मोटर हमारी बाहर आ चुकी है, इसको हम लेके जाएंगे मैकेनिक के पास, ठीक है। जब ये सही हो जाएगी तब मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। देखो पूरा सब कुछ खोल दिया है मैंने इसका, इसको मैं लेके जाऊंगा क्योंकि यही ख़राब है। देखो बहुत हीट भी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है ये, तो भाई इसी में प्रॉब्लम है। तो इसको मैं लेके जाऊंगा पहले मैकेनिक के पास, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें जब ये चल जाएगी आपको दोबारा इस वीडियो पर लेके आऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, देखो हमारी जो मोटर ख़राब हो गई थी वो हम नई ले आए हैं। मोटर थोड़ा टाइम लगा, 5-6 दिन लग गए हैं, लेकिन मोटर हमारी नई आ गई है, ठीक है। अब हम इसको चेक करके बताएंगे आपको कि ये सही है ख़राब है, कैसे पता चलेगा। ये वाइट वाला तार इसका कॉमन है और ये रेड और येलो है। अगर हम रेड और येलो में लगाते तो यहाँ रीडिंग देखो कितनी आ रही है, यहाँ आ रही है 55 रीडिंग, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका येलो वाला, तो येलो में भी 55 आ रही है, और अगर हम रेड वाला लेते हैं तो इसमें भी हमारी 55 आ रही है, ठीक है। ये देखो 55 आ गई। अब इसमें बिल्कुल मेन जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, वो आता है रेड और येलो को अगर यूज़ करें तो 55-55 एक साथ जुड़ जाएगा दोनों। ये देखो 110 हो गया, तो इसका मतलब 109-110 जो आ रहा है इसका मतलब है ये मोटर एकदम सही है हमारी अब, क्योंकि दोनों तारों से अलग अलग हमारी अलग अलग वैल्यू आ रही थी और हमने दोनों तारों को एक साथ जोड़ा था, वो दोनों वैल्यू जुड़ गई। तो फ्रेंड्स हमारी जो मोटर है एकदम ओके है, एकदम बढ़िया है। अब हम इसको जाके अपनी मशीन में लगा देते हैं और आपको दिखा देता हूँ कैसे चल रही है। तो देखो भाई हमने तार लगा दिए हैं, अपनी मोटर भी हमने कस दी है, ठीक है, और मोटर भी चल के दिखाता हूँ आपको। देखो अभी चल गई, देखो देख रहे हो दोस्तों, अभी हमारी मोटर जो है चल गई, एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है, देखो खूब, ठीक है। तो ये मोटर की प्रॉब्लम थी हमने सॉल्व कर दी और हमारी मशीन जो है वो चालू हो गई है, ठीक है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है, बाय बाय, थैंक यू।